हेलो, स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में। और बाकी जा रहे हैं कहीं पे, कहाँ पे जा रहे हो तो भाई थंबनेल देख करके समझ में आ ही गया होगा, तो बताने की जरूरत तो है नहीं। फिलहाल के लिए सस्पेंस है, ठीक है चलते हैं। फिलहाल के लिए अभी तो मैं पीछे मेरा बिल्डिंग है और निकल करके ऐसे बस वॉकिंग वॉकिंग का ज़माना है। बाकी दो मेरे दोस्त हैं, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। एक भागते हुए जा रहा है आगे आके और एक पीछे से आ रहा है। इधर क्या है दुको और एक चिमकांडी हो रहा। ठीक है फिर डैड मिलते हैं जगह पे यार जहाँ पे जा रहे हैं। चलो फिर मिलते हैं। ये यहाँ से ख़त्म हो रही है हमारी जो एरिया है मेरा, ख़त्म ख़त्म। हम एंट्री कर रहे हैं जंगल की तरफ। आज जंगल में बस जाएंगे यार। एक्चुअली कैसा है पता है, सिटी में घूम घूम के बोर हो गए थे तो सोचा थोड़ा जंगल सफारी कर लें। बाकी पीछे दो जानवर जा रहे हैं, ये जानवर लोगों को देखते क्या कर रहे हैं। खुले सांड है साले, देश बर्बाद कर रहे हैं इनके जैसे युवा हो। अब अभी कुछ नहीं है, अभी जा रहे हैं। ओ भाई ये रहा मेरे पीछे पुणे एक्सप्रेस का हाईवे। ये खरीद तो लिया है खाने के लिए लेकिन पानी नहीं लेकर के आया जानवर, क्या ही बोलने का। बोलता है मुझे प्यास नहीं लगती, ऐसे ही काम चला लूंगा। बाकी ये रहा मेरे पीछे मुंबई पुणे एक्सप्रेस का हाईवे। चढ़े क्या? चलो ट्राई करते हैं भाई। ये है जंगल, जंगल से जाएंगे। मेरे को डर लग रहा है, चढ़ू क्या कि मत चढ़ू? ध्यान दे, अभी बोलता था मैं मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा है। हट, मैं नहीं जाएगा। हाँ तो चल ना आगे, तू चल। भाई मैं भी जा रहा हूँ। हट तो रही। ये है हमारा एक्सप्रेस। इधर पे तो वॉक चल रहा है, उसको क्या पता भाई पुलिस वाले आके उठा के लेके जाएंगे। चलो ठीक है फिर अभी नीचे उतर करके फिर जाते हैं यार अपना। ये रहा हमारे पीछे एक्सप्रेस हाईवे जो कि अब हो रही है खत्म। और ये हमारा जंगल का एंट्रेंस, जो मजा आएगा यार आज। ऐसे एरिया में घुसने के बाद यार अपने गांव का यार आता है पता है, मतलब फुल गांवी फीलिंग अपने उत्तर प्रदेश की। और बाकी इधर खेती होती है और जंगल में मतलब ऐसा आप लोगों को मालूम ही होगा भाई, रेयरली एक दो घर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और इधर पीछे जो पहाड़ दिख रहा है, कल या परसों उसका ब्लॉग बनाने वाला हूँ मैं। देखो भाई अभी कैसा है, मैं ये नहीं वेट करूँगा कि भाई मैं कहीं अच्छे जगह पे जाऊँ उसका ब्लॉग बनाऊँ, ये वो खाना ठिकाना मैं जो मिलेगा सब ब्लॉग बनाऊँगा। भाई मुझे यूट्यूब पे कुछ करना है यार, सपोर्ट करो भाई को। वो दोनों आपस में बिजी लगे हुए हैं। ये देखो बताया था ना एक दो घर मिल ही जाएगा, मिल गया वो पहला घर। चलो ठीक है बाकी और अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। भाई हमारे साथ एक कांड हो गया। ओह भाई
वो पीछे वो बकरी लेकर के जा रहे हैं। हमको दौड़ाया था भाई, जोर से दौड़ाया था। ये पीछे मेरा चप्पल उप्पल मतलब कैसा, मैं बांधता नहीं हूँ, चप्पल वगैरह सब छोड़ दिया था। बच गया यार, गिरा मेरा चप्पल। हो गया भाई, बच गया। अचानक से मैं वीडियो बना रहा था, मैंने देखा नहीं भाई, अचानक से पीछे से आ गया यार। मतलब आज खतरनाक गया मैं। यस, इतना दूर है इधर, इधर प्रीमियर लीग होता है भाई। प्रीमियर लीग कौन सा? प्रीमियर लीग देवर प्रीमियर लीग। यस, देवर प्रीमियर लीग हमारे गांव में। आगे जाके देखता है कितना बड़ा ग्राउंड है उधर। जाना ही नहीं हमारे, हम अंदर चलेंगे। नहीं पहले फट गई है भाई, पैसे इस हिसाब से दौड़ाया उसने, फट गई हो। इतना घूमने टहलने के बाद आ चुके हैं बीच के ऊपर, तो आप भाई फिशिंग वगैरह करने के लिए सही जगह है। मतलब फिशिंग वगैरह करने में फीस वगैरह बताएंगे ये भाई, इनका बचपन का जान दो, गाली नहीं दूंगा। चालू है, मैंने भी थंबनेल निकाला यार, थंबनेल देख लेना। अभी यार इन्फॉर्मेशन क्या दें, नाइट वाइट में इधर आने लायक नहीं है। दिन तो ठीक है भाई, और आने का भी तो मोटा दोस्तों के साथ आए, ये तो कब यहाँ पे मार करके कब छीन लें। ये ब्रिज 1982 में बना था, तो मुझे भी नहीं मालूम कब बना था। कुछ नहीं है, बस आ गए हैं जंगल के एकदम अंदर, तो ज़्यादा कुछ खास कुछ है नहीं दिखाने को। खेती होती है, फोटोशूट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ये चीज़ है भाई इधर, मतलब अगर मान लीजिए आप फोटोशूट वगैरह करना चाहते हैं तो भाई आ सकते हैं भाई, मतलब जो पनवेल वाले हैं उनके लिए भाई रेकमेंड है। बाकी दूसरों के लिए तो भाई धूप आ रही है, थोड़ी थोड़ी नहीं जाते हैं। चलो ठीक है, बस इतना ही है, और देखता हूँ अगर कुछ दिखाने को आएगा दिखाएंगे यार। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो मज़ा आ रहा हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और बेल नोटिफिकेशन दबा करके ऑन कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलो फिर मिलते हैं थोड़ा टाइम बाद। भाई इतने अंदर आने के बाद में बस मिला है अपने कुछ देखने को, क्या मिला है? जंगल मिला है, खेत मिले हैं, कितने मिले यार शायद मिला होगा। बाकी ये नदी मिली है, ये नदिया जो एक आदमी अभी जाते जाते बोल के जा रहा है भाई बहुत गहरा है। बस इतना ही है यार। तो गाइस इसी के साथ हमारा हो चुका है जंगल सफारी ख़त्म, और जा रहे हैं आगे, ये मतलब हाईवे के साइड में है, तो जा रहे हैं आगे अपना मुंबई का फेमस ये भाई क्या है, वड़ा पाव। जा रहे भैया कुछ वड़ा पाव, भजी पाव या फिर कुछ और, लेकिन ये नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके फिर उसका निकलते हैं। बाकी ये सुहानी मौ सुहानी नहीं यार। बस इतना ही है, और अभी चलते हैं वड़ा पाव की दुकान में, वड़ा पाव खाते फिर उसके बाद निकलते हैं अपने घर पे। ये हमारा गरमा वड़ा पाव आ चुका है। ये रहा भैया, इसको हम खाते हैं, मज़ा लेते हैं, और आप लोग वसीला मिलते हैं अपने घर पे। लो आप ही देखो खा लेना, एंजॉय। ये रुक जा। इसी के साथ पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वैसे तो वीडियो में बस मैं तो ऐसे मस्ती करने गया था, और ऐसे कुछ भी शूट करके डाल दिया, तो
यार कुछ खास नहीं है, तो देखो यार मजा करो यार, सपोर्ट करो भाई अपने भाई को, चलो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और एक तो कमेंट कर देना, आई नो वीडियो कुछ सही नहीं है तो फिर भी कर देना यार, उससे हमें कैसा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई मतलब मैं जो कर रहा हूँ, जितने इफोर्ट डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, उसका कुछ तो भाई असर है, बस और कुछ नहीं है, बस मिल रहे हैं बाकी अगले ब्लॉग में। बाकी वड़ा पाव की बात करते भाई टेस्टी था, चलो ठीक है फिर चलते हैं यार।